मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है सेवन क्रिस्टल सिस्टम। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ सेवन क्रिस्टल सिस्टम की बात होने वाली है। तो सेवन क्रिस्टल को मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है सब कुछ। तो इसको ड्रा कर दिया है, तो कैसे कर दिया है, क्यूबिक है, कैसे कर दिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें सेवन क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, और चौथा है हमारा मोनोक्लिनिक, पांचवा है ट्राइक्लिनिक, और छठवां है हेक्सागोनल, और सातवां है रोम्बोहेड्रल। तो क्यूब को तो सबको पता होता है कि उसकी सारी एज बराबर होती है और उसके सारे एंगल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो इसकी सारी एजेस हैं, ए, इसको नाम दिया ए मैंने, और इसको बी और इसको सी। तो इसमें सभी के सभी बराबर हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और इसके एंगल, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, ये भी सभी बराबर होंगे क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सभी बराबर होंगे, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है, तो एंगल होता है 90। ये हो गया हमारा 90। अब हम बात करते हैं टेट्रागोनल की। तो टेट्रागोनल में हमारी एजेस जो होती हैं, ए इज इक्वल टू बी होता है, नॉट इक्वल टू सी होता है। तो इसी से हम इसको ड्रा कर लेंगे। कैसे, देखिए ये हमारा ए है और इसके बराबर बी होगा, तो ये ए वाली डिस्टेंस और ये बी वाली डिस्टेंस बराबर होगी, लेकिन नॉट इक्वल टू सी, तो सी के बराबर नहीं होगी। तो यानी सी को बड़ा कर दूँ, सी इससे बड़ी कर दूँ, तो ये बराबर नहीं हुई। तो ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये सिस्टम हमें ड्रा हो जाएगा, सेवन दूसरा क्रिस्टल जो है। तो इसका एंगल जो है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो ये हमारी, अगर ये थोड़ी सी अगर इसकी डिस्टेंस क्यों नहीं याद रखती, अगर इसकी डिस्टेंस ऐसे बढ़ जाती है, किसी एक्सिस की डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो उसके एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें एंगल बराबर होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। इसी तरह हम ऑर्थोरोम्बिक में देखते हैं, तो इसके लिए हमारे पास होता है इसमें नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो इसमें ना तो ए बी के बराबर होगा ना तो सी के बराबर होगा। तो इसमें देख लीजिए कहीं बराबर है, ए इतना बड़ा, बी थोड़ा सा इतना छोटा है, और सी इतना बड़ा है। तो इसमें कोई भी एजेस बराबर नहीं। तो ऐसे हम ड्रा करेंगे तो हमारा ये ड्रा हो जाएगा, इसी जैसे जिसे हम कहेंगे ऑर्थोरोम्बिक। और इसका एंगल पर कुछ फर्क पड़ेगा, एंगल पर नहीं पड़ेगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। आप एक्सिस देख लीजिए पहले, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई, इसको जेड, और इस डिस्टेंस को नाम देते हैं ए, और इसको बी, इसको सी, और इसका एंगल ये अल्फा, ये बीटा, ये हो जाएगा गामा। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से ये एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्यूब में ऐसा ही होगा, ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एजेस भी बराबर होंगी। तो ये यहाँ पर एंगल 90 हो जाएगा, और यहाँ पर एक डिस्टेंस बढ़ जाए, हमारे पास यही एक्सिस है, ये सारी एक्सिस हमारे पास हैं, लेकिन अगर आप इस पर एक एक्सिस इस पर बढ़ा दें, इसकी डिस्टेंस बढ़ जाए, तो ये एंगल पे तो इसको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। यह एंगल जो इसका है, यहाँ से इसका जो एंगल है, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से इसमें है, अगर इसमें ये डिस्टेंस बढ़ जाए, ये घट जाए, ये इतनी हो जाए, यानी कि एक छोटी सी एक्सिस हो जाए, और ये इतनी ही रहे, और ये इतनी बढ़ जाए, और ये इतनी बड़ी हो जाए, लेकिन एंगल तो घट बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ एक्सिस ही घट बढ़ रही है, तो यहाँ पर एंगल पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। तो मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे दब जाता है, तो इसकी बीटा की जो है, बीटा परपेंडिकुलर नहीं रह जाता है, तो बीटा जो 90 के बराबर नहीं हो पाता है। देखिए ये स्ट्रक्चर पहले कुछ ऐसा था,
ऐसे, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता है मोनोक्लिनिक का। मोनोक्लिनिक ऊपर से थोड़ा सा दब के नीचे हो जाता है, जो कि ये वाला एंगल 90 से कम हो जाता है, तो बीटा नॉट इक्वल टू 90 हो जाता है। और इसमें भी जो ए एजिस की डिस्टेंस है, इसमें भी कोई भी बराबर नहीं होगी। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 होगा, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90। अब इसमें देखिए, ये ए वाली डिस्टेंस जो है, ये ए वाली और ये बी वाली और ये सी वाली कोई भी बराबर नहीं है। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये ए वाली इतनी बड़ी है, बी वाली छोटी है, सी वाली और बड़ी है, तो इसमें कोई भी एजेस बराबर नहीं है। अब बात करते हैं ट्राई क्लिनिक की। इसकी एजेस जो होगी इसकी, यहाँ से ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी कुछ भी बराबर नहीं है। ए यहाँ से यहाँ तक है, बी यहाँ से यहाँ तक है और सी यहाँ से यहाँ तक है, तो कोई भी यहाँ से बराबर नहीं हो रही है, और एंगल भी कोई भी बराबर नहीं होगा। तो कोई भी एंगल 90 का, कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होगा और ना ही वो 90 के बराबर होगा। इसको आप ऐसे देखिए, ये यक्स एक्सिस और ये आपकी तरफ आ रही है, ये वाई एक्सिस और इसके ऊपर ये जेड एक्सिस। अगर ऐसा होता तो ये परपेंडिकुलर होता और ये 90 के बराबर होता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सिस थोड़ी सी इस तरह से टेढ़ी हो जा रही है और इस तरफ से टेढ़ी, ये नीचे की तरफ टेढ़ी हो जा रही है, तो ये एंगल थोड़ा सा 90 से हट जा रहा है। तो कोई भी एंगल आपस में भी बराबर नहीं होगा और 90 के भी बराबर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल में ए और बी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और एंगल क्या होगा, अल्फा ये बीटा, लेकिन गामा यहाँ पर देखिए ये 120 होगा। इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 होगा, बट गामा इज इक्वल टू 120 होगा, गामा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 नहीं होगा। इसमें देख लीजिए आप, ये ए डिस्टेंस है और ये बी डिस्टेंस है, लगभग ये सेम है, तो ए इक्वल टू बी हो गया, और सी बराबर नहीं है तो ये सी लंबी हो जा रही है, तो ये सी वाली भी बराबर नहीं है। लेकिन इसमें अल्फ़ा बीटा देखिए, ये अल्फ़ा एंगल और ये बीटा एंगल ये दूसरे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसकी एंगल जो होगी वो 90 होगी, लेकिन गामा जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, गामा जो है वो अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स, ये वाली वाई और ये वाली जेड है, और ये वाली जेड है, तो यक्स वाई जेड, मान ली ये अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा और ये वाला बीटा और ये वाला गामा एंगल है, ये वाला अल्फ़ा, ये वाला बीटा और ये वाला गामा, तो ये अल्फ़ा और ये बीटा और ये गामा जो है ये दोनों एक दूसरे के तीनों एक दूसरे का भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये गामा कुछ इस तरह से बढ़ जा रहा है, 90 से 120 हो जा रहा है, लेकिन ये एंगल जो इधर से ये तो परपेंडिकुलर है, इधर से तो 90 है, इधर से ये 90 है, लेकिन ये जो गामा वाला ये एंगल बढ़ रहा है इसका कुछ इस तरह से। फिर से देखिए एक बार, ये अगर 90 है, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा और ये वाला हो जाएगा बीटा और ये वाला हो जाएगा गामा, तो अभी देखिए बराबर है, लेकिन इसमें जो है अल्फ़ा और बीटा वो 90 है लेकिन गामा 90 नहीं है, तो किस तरह से है, तो ये अल्फ़ा ऐसे ही 90 है, ये बीटा 90 है, और ये जो गामा वाला है ये एक्सिस कुछ इस तरह से हो जा रही है, ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर ये 90 फिक्स है, यहाँ पर ये बीटा 90 फिक्स है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो गामा था ये एक्सिस थोड़ी सी ऐसी है, ये 120 हो जा रही है हेक्सागोनल के केस में। अब बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की। रोम्बोहेड्रल में सब कुछ ए बराबर, सभी एजेस जो हैं वो बराबर होती हैं, जैसे कि क्यूब में, हमारे क्यूब में बराबर थी, उसी तरह इसमें भी सभी एजेस बराबर होंगे और इसमें एंगल भी सभी बराबर होंगे, लेकिन वो 90 के बराबर नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये 90 के बराबर हो जाएगा तो वो तो क्यूब हो जाएगा, तो इसमें इसमें कुछ डिफरेंस इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएगा, इसीलिए इसमें एक डिफरेंस है याद रखने के लिए, ये एंगल तो बराबर होगा लेकिन वो 90 के बराबर नहीं होगा। अब इसको याद रखने के लिए ये एजेस में, तो इसमें आप याद कर लीजिए कि इसमें नॉट इक्वल कितने हैं,
जैसे कि इसमें कोई भी नॉट इक्वल नहीं है तो यहाँ पर जीरो, सभी इक्वल हैं। अगर कितने नहीं इक्वल हैं, कितने बराबर नहीं हैं, तो ज़ीरो। यहाँ पर एक, कितने इक्वल नहीं हैं, एक, ये जो है वो इसके इक्वल नहीं है तो एक इक्वल नहीं है। और यहाँ पर दो, अब इसी तरह नीचे आ जाएगी, यहाँ पर कितने इक्वल नहीं है, यहाँ पर ज़ीरो, और यहाँ पर कितने इक्वल नहीं है, वन, और यहाँ पर कितने इक्वल नहीं है, यहाँ पर कितने इक्वल नहीं है, टू। तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये नॉट इक्वल है, और एक हमारा ये बच रहा है, ये भी टू ही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी टू, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ये दोनों इसके बराबर नहीं है। तो इसको याद रख सकते हैं आप, जीरो वन टू, नीचे थे जीरो वन टू, और एक बचेगा वो भी टू। तो ये हो गया हमारा सेवन क्रिस्टल सिस्टम। अब हम बात करते हैं ब्रैवियस लैटिस की। तो ब्रैवियस लैटिस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, तो ब्रैवियस ने पहले ये देखिए सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो है वो सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो वो प्रिमिटिव लैटिस, ओनली प्रिमिटिव लैटिस पर बेस है। प्रिमिटिव लैटिस का मतलब लैटिस पॉइंट जो हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर, लैटिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होंगे, यहाँ पर, यहाँ पर इसके कॉर्नर में, सभी कॉर्नर पर चलेंगे। तो सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो वो सभी सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव लैटिस पर बेस है। प्रिमिटिव लैटिस क्या है और नॉन प्रिमिटिव लैटिस क्या है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। तो प्रिमिटिव लैटिस क्या है, मैंने बताया कि सिर्फ लैटिस पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, उसे कहा जाता है प्रिमिटिव लैटिस। तो ब्रैवियस लैटिस जब हम बात करते हैं तो ब्रैवियस ने क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि 14 क्रिस्टल सिस्टम उन्होंने बताया, जो कि सेवन तो यही होंगे, इन प्रिमिटिव लैटिस में सेवन क्रिस्टल सिस्टम का भी ब्रैवियस लैटिस में भाग है। तो और जो सेवन क्रिस्टल ये है, और जो सेवन क्रिस्टल बचते हैं वो नॉन प्रिमिटिव के हैं। तो ब्रैवियस के अकॉर्डिंग ये प्रिमिटिव यूनिट सेल उनके अंडर आता है, पहला ये हो जाएगा, और उसके बाद जब दूसरा हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो फिर उसमें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल उसमें हो जाएगा। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मैंने उसके पार्ट बताया था कितने तरह का होता है, तो फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल एक होता है, साइड सेंटर। तो इन तीनों में भी तीनों को मिलाकर सेवन क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो पहले इसको देख लीजिए, बात करें ब्रैवियस लैटिस की, तो ब्रैवियस लैटिस के अकॉर्डिंग इन्होंने 14 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया। तो सात क्रिस्टल सिस्टम जो वो हमारा ये सेवन क्रिस्टल सिस्टम वाला ही है रहेगा। तो इसको इन्होंने बताया कि ये प्रिमिटिव सेल के अंदर जाएगा, प्रिमिटिव लैटिस के, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में ये सारा हमारा आ जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की। तो हमने ब्रैवियस लैटिस में प्रिमिटिव यूनिट सेल को देख लिया है, अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। तो इन्होंने 14 क्रिस्टल सिस्टम बताए थे, जो कि 7 क्रिस्टल वाला इन प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए वही था 7 क्रिस्टल सिस्टम भी, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, अभी इसमें कुछ बाकी है मैं वो ड्रॉ करके बताऊँगा। लेकिन ये ब्रैवियस ने जो इसको बताया था, सबसे पहले 1848 में इसने सबसे पहले इसको शो किया था। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। सबसे पहले हमें देखना है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो बॉडी सेंटर को मैंने पहले ही बता दिया, बॉडी सेंटर में मतलब ये पूरी एक बॉडी है, इसके सेंटर में कोई एक पॉइंट हो तो इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो अभी ये ब्रैवियस में पढ़ना है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसके बीच में कोई एक पॉइंट है,
तो इस पॉइंट से होते हुए यहाँ से एक्सिस से पासूंगी, एक इस पॉइंट से ऐसे और इस पॉइंट तक जा सकती है। ये ऊपर वाला है, ये वाला जो है आगे वाला है, फ्रंट वाला और ये पीछे वाला। तो इसके इसके फ्रंट वाले से, ये फ्रंट वाले से इसके बैक साइड से बीच से होता हुआ एक एक्सिस जाएगी, एक हमारा जो बीच में हमारा सेंटर है उसे एक लाइन होती हुई जाएगी, एक आगे वाले से और ये पीछे वाले से इस पर जाएगी। अब ये आगे वाला है और पीछे वाला ये है, अब एक होती हुई हमारी एक एक्सिस यहाँ से पास होती हुई यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। जैसे जिसमें हमने बॉडी डायगनल पढ़ा था 4x2 डायगनल से, मैंने उसमें दिखाया था आपको, उसी तरह यहाँ पर भी है। अब ये इसके पीछे वाला है, अब इसके पीछे वाला बैक साइड वाला है तो इसके फ्रंट साइड वाले पे आएगा, तो यहाँ से कुछ इस तरह से आता जाएगा, यहीं से आएगा, यहाँ से ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है। तो अब ये इसके बैक साइड वाला, ये इसके फ्रंट साइड वाले इस कॉर्नर पर कुछ इस तरह से आएगा, तो यही हो जाएगा हमारा। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिवर्सल में हमारा क्या था, लाइटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट होंगे सभी के सभी कॉर्नर पर, और बॉडी सेंटर में एक बॉडी के अंदर लाइटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट होगा, तो वहीं से हमारा ये एक्सिस से पास होंगी। जैसे कि आप इसे कंसीडर कीजिए, इसके बीच में कोई एक पॉइंट है, इसके बीच में अंदर से, तो यहाँ से एक एक्सिस जाएगी, तो इसके बीच से होते हुए यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से दो एक्सिस यहाँ से पास होगी और एक एक्सिस फिर यहाँ से पास होगी, फिर इसके अपोजिट साइड यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से पास होगी तो फिर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से अगर पास होगी तो फिर यहाँ से निकलेगी, कुछ इसी तरह से पास होगी यहाँ से निकलेगी, उसी तरह से मैंने इसमें ड्रा किया है। अब बॉडी सेंटर के अंदर ये क्यूबिक के लिए था, 14 क्रिस्टल सिस्टम बताए हैं, 7 उसमें थे 7 इसमें हैं, तो 3 बॉडी सेंटर के अंदर आते हैं, 2 फेस सेंटर के अंदर और 2 एंड सेंटर के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं ये है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में कौन सी एक्सिस बराबर होती है, कौन सा एंगल बराबर होता है, ये मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम में अभी बताया। तो यहाँ पर मैं उसको ड्रा नहीं करूँगा, मेरा मकसद जो है यहाँ पर सिर्फ लैटिस पॉइंट ड्रा करने का बॉडी सेंटर में। तो बॉडी सेंटर का मतलब है एक बॉडी के सेंटर में होगा लैटिस पॉइंट और सभी के सभी कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा। तो अगर हम अब इसमें एक्सिस कोई पास होगी तो यहाँ से ये इसका फ्रंट वाला है और ये इसके बैक साइड वाला, तो एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, एक फ्रंट साइड वाला लाइटिस और एक बैक साइड वाला लाइटिस से कोई भी एक्सिस पास होगी और बीच में जो हमारा सेंटर लाइटिस पॉइंट है उससे होते हुए जाएगी, ये फ्रंट वाले से ऐसे ऐसे पास होती हुई इसके पीछे साइड वाले पे ऐसे जाएगी। मैंने जैसे उसमें बनाया था बस वैसे ही इसमें भी है, मैं इसमें टेट्रागोनल में ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ से होती हुई ये बैक वाले से ये फ्रंट वाले पे यहाँ पर आएगी, फ्रंट वाला ये है ये देखते रहिए, ये बैक वाला है ये देखते रहिए, ये बैक वाला है यहाँ से होते हुए इसके अंदर से ऐसे आएगी। अभी इसका बैक वाला है, फ्रंट वाला ये है, तो ये ऐसे आएगी। अब ये है कुछ आपको दिख रहा होगा आर्थोरोम्बिक की तरह, ये आर्थोरोम्बिक है, तो आर्थोरोम्बिक के बीच में भी एक हमें ये बॉडी सेंटर की हमें बात कर रहे हैं, तो बॉडी इसके भी अंदर एक हम बॉडी सेंटर लैटिस पॉइंट होगा इसके अंदर। तो अभी देखिए इसका फ्रंट वाला पे, फ्रंट वाला ये है ये, अब इसका बैक वाला ये है ये, तो एक फ्रंट वाला ये वाला और एक बैक वाला ये वाला। अब इससे हमारी कोई एक्सिस पास होगी तो इससे होते हुए यहाँ से ऐसे जाएगी। अब ये बैक वाला है तो इसका फ्रंट वाला ये है, ये ऐसे हो जाएगी। तो ये फ्रंट वाला तो इसका बैक वाला कौन है, ये फ्रंट है ये बाइक है, यहाँ से कोई एक्सिस पास होगी तो यहाँ से ऐसे पास होगी और यहाँ से ऐसे अंदर से जाएगी, वो इसके इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब बात करते हैं फेस सेंटर की, तो फेस सेंटर का मतलब कोई भी हमारा लाइटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट होगा वो सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा और उसके फेस पर प्रेजेंट होगा, सभी फेस पर। तो फेसेस क्यूब में कितने होते थे, ये क्यूब है क्यूब, तो क्यूब में फेसेस कितने होते थे, 6, जो उसके सेंटर में एक लाइटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा हर फेसेस के सेंटर में, 3, 4 और ये 5 ही है,
फ्रंट वाला और ये इसके पीछे साइड वाला। तो इससे भी हमें अगर एक्सिस ड्रॉ करनी हो तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, सभी फेसेस पे इसी तरह से हो जाएंगे। इसी तरह से इसके लिए हो जाएगी। अब बैक के लिए करोगे तो इसमें थोड़ा सा घुस जाएगा, उसमें दिखेगा नहीं। मैं अब इसमें करता हूँ, इसमें भी अभी ये भी आठ और उम्मीद है। तो इसमें फेस पे प्रेजेंट होगा, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये और एक फेस इसका वाला, ये जो बड़ा सा है ये इसके सामने वाला एक फेस यहाँ पर हो जाएगा और इसके पीछे वाला एक ये। तो इस पर भी हमें जो हमारा डायगोनल होगा वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा। हमें इसमें डायगोनल ड्रा करना रहता है, ये हमारा डायगोनल इसी तरह से ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। अब सभी फेसेस पर आप ड्रा कर लीजिएगा, यहाँ पर ड्रा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये इसका है फ्रंट वाला फेस, यहाँ तक जाएगा यहाँ तक। अब इसके फ्रंट वाले फेस ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, इसी तरह से ये ड्रा होगा। अब बात करते हैं एंड सेंटर की। तो एंड सेंटर में भी एंड सेंटर में दो हैं, ये आर्थोरोम्बिक है और ये ट्राइक्लिनिक। तो एंड सेंटर मतलब एक इसके एंड सेंटर में यहाँ पर परसेंट होगा लैटिस पॉइंट, एक एंड सेंटर में यहाँ पर लैटिस पॉइंट परसेंट होगा और सभी के सभी कॉर्नर पर परसेंट होंगे ही। अगर हम यहाँ से डायगोनल ड्रा करें तो इस तरह से डायगोनल हो जाएगा, इस तरह यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम इसके एंड सेंटर की बात करें, एक ये हमारा एंड सेंटर है, एक हमारा एंड सेंटर ही है। अगर आपको ये सब फेस सेंटर और एंड सेंटर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से हमारा एक डायगोनल ऐसे जाएगा, दूसरा डायगोनल यहाँ रहता हो जाएगा, डायगोनल ऐसे, डायगोनल ऐसे। तो ये सेवन जो थे हमारे नॉन परमिटिव यूनिट सेल के लिए थे, जिसमें तीन बॉडी सेंटर के अंदर है, फेस सेंटर के अंदर दो हैं और एंड सेंटर के अंदर दो हैं, जिसमें ऑर्थोरोम्बिक सभी में कॉमन है और क्यूबिक इसमें है, इसमें कॉमन है और इसमें एक टेट्रागोनल है और इसमें ट्राइक्लिनिक है। दो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हमारा इतना ही आता है। तो यहाँ पर हमारा सेवन क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस ख़त्म होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ, आने वाली वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।